हेलो फ्रेंड्स, क्या स्वाद है फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड पिज्जा, जिसको हम घर पर ही थोड़े सामान में तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पिज्जा बेस ले लेंगे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। पिज्जा सॉस, इसको हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। ऑनियन, जिन्हें हमने राउंड शेप में काट लिया है। टोमेटो, कैप्सिकम और चीज। अब हम पिज्जा बेस को फोक से इस तरह से हम निशान कर लेंगे। इसके ऊपर हम पिज्जा सॉस लगा देंगे। पिज्जा सॉस को हम अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर राउंड शेप में कटी हुई ऑनियन रख देंगे। इस तरह से हम सभी वेजिटेबल्स रख देंगे। लॉकडाउन की वजह से हमारे पास वेजिटेबल्स कम थी, आप चाहें तो और भी सब्जियां रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चीज डाल लेंगे और एक चुटकी नमक और एक चुटकी काली मिर्च। चीज को हम कसकर डालेंगे ताकि चीज अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाए। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। सभी ओवन का अपना अपना सिस्टम होता है। मेरे ओवन में मैं इसे 5 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद हमारा पिज्जा तैयार हो गया है। अब हम इसे 4 पार्ट्स में काट लेंगे। आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।